अगर ये 1 आवर कैंडलस्टिक के साथ इसको ब्रेक करके स्टे हो जाता है। फ्रेंड्स, टाटा मोटर शेयर पे आज का ट्रेडिंग सेशन में क्या हुआ, आज है 4 अक्टूबर 2024, टाटा मोटर शेयर चार्ट पे 919 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल को ड्रॉ किया। तो आज का ट्रेडिंग सेशन में इस सपोर्ट लेवल को टच करके अपर जाने का कोशिश किया, मगर 945 इस लेवल से भी डाउनफॉल आया। तो आज का ट्रेडिंग सेशन में इंडिसेशन बुलिस कैंडलस्टिक के साथ इसका डे को एंड किया। और ये जो मैं सपोर्ट लेवल को ड्रॉ किया, मैं दिखाने का कोशिश करता हूँ 919 इस सपोर्ट लेवल को कितनी बार शेयर टच किया, मैं दिखाने का कोशिश करता हूँ 9 times इस सपोर्ट लेवल को टच करके शेयर का मूवमेंट हुआ। तो 919 इसको आप एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल मान सकते हो। तो इस सपोर्ट लेवल पे आज पूरी तरह से शेयर आया और टच किया, उसके साथ साथ अपर जाने का कोशिश किया और ये 933.70 इसी पॉइंट पे इसका डे को एंड। आज शेयर मार्केट में एक हैवी डाउनफॉल देखने को मिला, निफ्टी 25,000 इस लेवल को भी नीचे आया था, मगर आज का ट्रेडिंग सेशन में 25,000 इस लेवल पे पूरी तरह से निफ्टी कॉन्सोलिडेट कर रहा है, एक हैवी डाउनफॉल मार्केट में आप बोल सकते हो। तो आज का ट्रेडिंग सेशन में टाटा मोटर्स का जो शेयर है 990 इस लेवल पे सपोर्ट लेके एक बुलिश इंडिसेशन कैंडल के साथ इसका डे को एंड किया। तो आज है फ्राइडे और नेक्स्ट मंडे को मार्केट ओपन होगा और नेक्स्ट मंडे को टाटा मोटर्स के साथ क्या हो सकता है, मैं यहाँ पर बोलने का कोशिश करता हूँ। अगर ये 990 इस लेवल को ब्रेक करके स्टे हो जाता है ना, देखो यहाँ पर ये 1 डे टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, अगर ये 1 आवर कैंडलस्टिक के साथ इसको ब्रेक करके स्टे हो जाता है तो ये पूरी तरह से एक डाउनफॉल दिखा सकता है। और इसके साथ साथ अगर ये 945 इस लेवल को ब्रेक करके स्टे हो जाता है ना 1 आवर कैंडलस्टिक के साथ, तो एक अपर मूवमेंट आपको दिखा सकता है 1000 के आसपास। सो चलते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द कोने अपने वीडियो में। तो टुडेज़ होगा, टेक केयर, गुड बाय, टाटा, थैंक यू।